स्टूडेंट्स वेलकम टू आरसीआई एजु हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लासों में हमने डिस्कस किया था विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण और आवेश के निकाय के कारण। आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं विभव के ऊपर बेस्ड। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो रूट टू मीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर 10 माइक्रोकूलम कोमा -50 माइक्रोकूलम कोमा 20 माइक्रोकूलम तथा -60 माइक्रोकूलम के चार आवेश क्रमशः रखे हैं, वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। क्लियर है? देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो एक वर्ग बनाते हैं सबसे पहले, तो मान लो ये वर्ग है, ठीक है, इस वर्ग का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसकी जो भुजा है वो अपने को गिवन है रूट टू मीटर, तो मान लेते वर्ग की भुजा है, भुजा को ए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए और उसकी वैल्यू दे रखी है अपने को रूट टू मीटर। तो सारी भुजा वर्ग की बराबर होती है, ये भुजा ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए होगी। क्लियर है? अब ये जो शीर्ष है वर्ग के, यहाँ पर आवेश रखे हुए हैं, तो मान लो यहाँ पर जो आवेश है ये Q1 है, यहाँ पे जो आवेश है ये Q2 है, यहाँ पर Q3 और यहाँ पर Q4, और Q1 Q2 Q3 4 की वैल्यू दी हुई है अपने को। तो देखो Q1 कितना गिवन है अपने को, Q1 इक्वल्स टू है 100 माइक्रोकूलम, Q2 है -50 माइक्रोकूलम, Q3 है 20 माइक्रोकूलम एंड Q4 है -60 माइक्रोकूलम। क्लियर है? ये सब अपने को दिया हुआ है। अब अपने से पूछा गया है कि इस वर्ग का जो केंद्र है इस पर विभव ज्ञात करो। तो देखो ये वर्ग का विकिरण होगा, तो विकिरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो केंद्र होता है वर्ग का, तो मान लो केंद्र बिंदु O है, इस बिंदु O पर विभव ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर विभव किसकी वजह से होगा, तो आंसर है यहाँ पर विभव इस आवेश के कारण भी होगा, इस आवेश के कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा, और टोटल विभव जो होगा इन चारों का हम जोड़ कर देंगे तो वो टोटल विभव आ जाएगा अपना। क्लियर है? तो हम मान लेते हैं Q1 आवेश के कारण जो विभव है ये है V1, Q2 आवेश के कारण जो विभव है ये है V2, Q3 के कारण विभव है V3 और Q4 के कारण विभव है V4। तो माना आवेश Q1 कोमा Q2 कोमा Q3 व Q4 के कारण केंद्र पर विभव क्रमशः V1 कोमा V2 कोमा V3 व V4 है, अतः कुल विभव V निम्न होगा। तो कुल विभव हम सबका जोड़ कर देंगे तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। क्लियर है? अब बिंदु आवेश, ये सारे बिंदु आवेश हैं, बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता था ये होता था KQ बटे में R, जहां पर R दूरी होगी। देखो इस आवेश के कारण हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो दूरी ये काम में आएगी, इसके कारण यहाँ पर निकालेंगे तो ये वाली दूरी काम में आएगी, इसके कारण निकालेंगे तो ये दूरी, तो ये वाली दूरी अपने को पता होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले ये दूरी हम निकालते हैं, तो मान लो ये दूरी आर है अपने, इसको कैसे निकालेंगे, देखो देखो ये, देखो ये भुजा है ए, ये भी है ए, तो ये जो विकिरण है ये हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। देखो इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो, तो ये करण हो जाएगा, तो करण होता है, करण का मतलब ये ए सी, तो ए सी का मान हो जाएगा अपना इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट मतलब 2a स्क्वायर का अंडर रूट मतलब रूट टू ए। देखो तो ये पूरी जो लंबाई है ए सी ये आ गई अपनी रूट टू ए, उसका आधा कर देंगे तो ये आ जाएगी ओ ए। क्लियर है? तो r का जो मान है,
आर बराबर होगा ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सब बराबर ही होंगी, ये और ये वाली भुजा, क्लियर है। तो ये कैसे निकालेंगे, इस पूरी भुजा का अगर हम आधा कर दें तो ये निकल जाएगा अपना, तो ए सी का आधा कर दो, रूट टू ए बटे में टू, रूट टू ए, देखो टू को हम लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, क्लियर है, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन रूट टू। और क्वेश्चन में देखो ए की वैल्यू अपने को गिवन है रूट टू, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं रूट टू अपॉन में रूट टू से हो जाएगा वन, क्लियर है। तो यहाँ से आर जो है वो आ जाता है वन, तो R की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, देखो V1 हो जाएगा अपना K Q1 अपॉन R, R1 R2 R3 नहीं लिखेंगे क्योंकि सारी दूरियाँ बराबर ही हैं, इसलिए हम R R ही लिख देंगे, तो हो जाएगा K Q1 अपॉन में R प्लस V2 हो जाएगा K Q2 अपॉन में R प्लस K Q3 अपॉन में R प्लस K Q4 बटे में R, क्लियर है। अब यहाँ से K बटे R कॉमन ले लो सब में, तो ये हो जाएगा अपना तो V कॉस्ट हो जाएगा अपना K बटे में R कॉमन ले लिया हमने, तो ये बच जाएगा देखो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी, देखो K की वैल्यू होती है 9 गुना 10 की घात 9, R की वैल्यू हमने निकाल ली 1 आई, तो इसको R की जगह 1 पुट कर देंगे। Q1 Q2, Q3, Q4 इनकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, क्वेश्चन में सारी वैल्यू अपने को गिवन है, देखो Q1 दे रखा है 100, तो Q1 की जगह पुट कर देंगे 100 प्लस Q2, Q2 है माइनस 50, तो जाएगा माइनस 50 प्लस Q3, Q3 है 20 प्लस Q4 माइनस 60, और ये सारी माइक्रो कूलाम में हैं, तो माइक्रो की जगह हम लिख देंगे 10 की घात माइनस 6, क्लियर है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखो तो हो जाएगा 9 गुना 10 की घात 9, देखो 100 और 20 120 और माइनस के हो गए 60 और 50 110, तो ये 10 बच जाएगा प्लस का इनटू 10 की घात माइनस 6, तो देखो 10 की घात 9 ये रही और 1 ये हैं, तो 10 की घात 10 तो प्लस की हो गई, 6 माइनस की हैं, तो ये बचेगी अपने पास 10 की घात 4, क्लियर है। तो ये विभव का मात्रक होता है वोल्ट, ये अपना आंसर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी टाइप का, डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आरसीआई, अरे उसमें जोड़ना था, रोकना ही पड़ा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3 गुना 10 की घात माइनस 8 कूलाम तथा माइनस 2 गुना 10 की घात माइनस 8 कूलाम के दो आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर दूर हैं, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, ये क्वेश्चन है अपना। तो कुछ सोल्व करते हैं, तो अपने पास दो आवेश दिए हुए हैं, गिवन है, तो मान लेते हैं ये आवेश Q1 है और ये Q2 है, तो Q1 की वैल्यू अपने पास है 3 इंटू टेंस टू पावर माइनस 8 कूलाम, Q2 है माइनस 2 इंटू टेंस टू पावर माइनस 8 कूलाम, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं x है, उसकी वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो उसका डायग्राम बनाते हैं, देखो कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको पढ़ते ही उसका डायग्राम अपने दिमाग में बन जाना चाहिए, तब तो सोल्व हो जाएगा, नहीं तो काफ़ी मुश्किल होगा। तो देखो डायग्राम बनाते हैं इसका, तो दो आवेश अपने को दे रखे हैं Q1 और Q2, ये Q1 बना दिया, ये Q2, इन दोनों को मिलाने वाली मान लो ये रेखा है,
अब क्वेश्चन में पूछा गया है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, पहले तो ये भी अपने को गिवन है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो x है और x का मान अपने को दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो पूछा है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ पर विभव शून्य होगा, क्लियर है? तो हमें नहीं पता कहाँ पर विभव शून्य होगा क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि इस Q1 आवेश से R दूरी पर विभव शून्य होगा। मान लेते नहीं पता है तो कि भाई यहाँ पर ये जो बिंदु P है यहाँ पर विभव शून्य होगा, क्लियर है? मान लिया हमने। अब देखो ये दूरी x है, ये दूरी r है, तो ये दूरी हो जाएगी अपनी x माइनस आर, क्लियर है? चलो भी बहुत अच्छा ये हो गया। अब इस बिंदु पर विभव निकालना है अपने को और उसको जीरो कर देना है क्योंकि इस बिंदु पर ही हमने विभव को शून्य माना है। तो इस P बिंदु पर जो विभव होगा वो एक इस आवेश के कारण होगा और एक इस आवेश के कारण होगा। तो हम लिख लेते हैं माना P बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा ठीक है भाई, मान लेते हैं P बिंदु पे शून्य होगा। माना P बिंदु पर आवेश Q1 व Q2 के कारण विभव क्रमशः V1 व V2 हैं, अतः कुल विभव V निम्न होगा। देखो कुल विभव हो जाएगा V1 प्लस V2 और ये आएगा किसके बराबर, जीरो के, क्योंकि हमने दोनों का जो योग है वो जीरो मान लिया है P बिंदु पर विभव। अब V1 क्या है इस आवेश के कारण विभव, V2 क्या है इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव। तो विभव का सूत्र होता था KQ बटे में R, तो इस आवेश से तो दूरी है R और इस आवेश से इस P बिंदु की दूरी है x माइनस आर। तो देखो V1 का मान तो हो जाएगा, यहाँ से इसको हटा सकते हो, तो V1 हो जाएगा K Q1 बटे में R प्लस V2 हो जाएगा K Q2 बटे में, देखो Q2 आवेश से इस P बिंदु की दूरी है x माइनस आर बराबर जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपना आंसर आएगा, देखो इसको हल करते हैं आगे। के क्यू वन अपॉन आर इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का के क्यू टू अपॉन में एक्स माइनस आर, तो के से तो के कैंसिल हो गया, क्यू वन की वैल्यू पुट कर दो 3×10⁸ - 8 बटे में आर बराबर, Q2 की वैल्यू है -2×10⁸ - 8 बटे में x माइनस आर। देखो x का मान दिया हुआ है 15, तो जाएगा 15 - r, 10⁸ - 8 से 10⁸ - 8 भी कट जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, देखो हल करते हैं, ये यहाँ पर बचा 3 upon r इक्वल्स टू -2 upon 15 - r, क्लियर है? वज्र गुणा कर लो, देखो इस 3 को 15 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 45 - 3r बराबर -2r। अब इस r को उधर ले जाओ तो 45 इक्वल्स हो जाएगा 3r - 2r ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। अब इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने, ये Q2 की वैल्यू ये थी और साथ में ये माइनस और लगेगा यहाँ पर,
तो ये माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 45 माइनस 3R प्लस 2R। क्लियर है? ठीक है, ये माइनस का गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। अब इसको देखो आगे सोल्व करते हैं, तो 3R और 2R ही हो जाएगा 5R, 5R इक्वल्स टू 45, तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी देखो 45 बटे में 5, मतलब 9 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस Q1 आवेश से 9 सेंटीमीटर दूर बिंदु जो है P, वहाँ पर विभव शून्य होगा। थैंक यू।